दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके साथ कोई भी केस होता है, आप परेशानी में हैं, पर अपनी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जाकर डिटेल में मेंशन करना नहीं चाहते, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक है, लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर कि सिर्फ आपको अपना नाम, अपना नंबर, किस स्टेट से आप हैं, अपनी मेल आईडी मेंशन करनी है, और जो नीचे बॉक्स डला है बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें क्या आपका केस है या फिर क्या सलाह आप हमसे चाहते हैं या क्या जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं, आप उसमें मेंशन कर देंगे तो हम आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। जो भी आपने हमसे सवाल पूछे हैं या जो भी आपकी समस्या है उसका हम सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। दोस्तों हमसे लगातार कुछ लोगों ने हमसे सवाल पूछे कि जैसे क्लोन चेक किसी ने बनाया वो केस किस तरह चलता है, या कुछ पेपर्स दस्तावेज किसी ने बना दिए वो केस किस तरह चलता है। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी के दस्तावेज किसी रेडी कर दिए, प्रॉपर्टी बेच दी, 1-2 करोड़ ले भी लिए, उसके बाद वो केस कैसे चलेगा, या फिर मान लीजिए कोई पेपर किसी ने कुछ बनाए उनको बेच दिया बट वहां पर पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ कुछ भी, वो केस कैसे चलेगा। ऐसे कई तरह के मामले होते हैं, जो मामले अक्सर आप देखोगे जिसमें सेक्शंस लगते हैं 420, 467, 468, 471, 120B, इस तरह के सेक्शन लगते हैं, कई बार 34 भी लग जाता है, इस तरह के मुकदमे बनते हैं, इस तरह के सेक्शंस लगाए जाते हैं। उसी पर मैं आज डिस्कस करूंगा कि अगर ये सारे सेक्शंस लगे हैं तो इसमें बेल कब आसानी से हो जाती है और कब आसानी से बेल नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी कोई पहली बार आया है हमारे चैनल पर, पहली बार देख रहा है हमारे इस वीडियो को, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानून जानकार बना सके। दोस्तों होता क्या है, कोई भी ऐसा मामला जिसमें दस्तावेजों के साथ में छेड़छाड़ की गई है। दस्तावेज क्या है, दस्तावेज किसी की मार्कशीट हो सकती है, दस्तावेज कोई चेक हो सकता है, दस्तावेज कोई आधार कार्ड में छेड़छाड़ हो सकती है, पैन कार्ड में, या फिर वोटर आईडी में, पासपोर्ट में, किसी भी तरह की छेड़छाड़ आपने अगर कर दी किसी भी डॉक्यूमेंट में जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है तो वहां 467 लग जाता है। अब मान लीजिए किसी के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, मतलब कोई चीज बेच रहे हैं जो कि आप बेच नहीं रहे, डिसऑनेस्टली वो चीज पाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी आपने धोखाधड़ी कर दी कि मैं आपको ये चीज दूंगा इतने पैसे की दूंगा पर आपने नहीं दी, ऐसे मामलों में 420 लग जाती है, 120 भी लगता है षड्यंत्र के लिए। तो मतलब टोटल अगर हम देखें तो मैक्सिमम ऐसी FIR में जो सेक्शन आप देखते हैं वो 420, 467, 468, 471, 120B मैक्सिमम आप देखोगे ऐसे अपराधों में यही सेक्शन लगे होते हैं। अब बेल कैसे होती है, इस बेल को प्रारूप को समझने के लिए आप दो तरह समझिए। पहले वाले केस में आप समझिए जहां पर प्रॉपर्टी या फिर कोई भी लिक्विड मतलब कि पैसा कोई भी अगर डिलीवर हो गया है, लेन देन हो गया है। मान लीजिए इसके अंदर कि किसी व्यक्ति ने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया कि आप अगर ऐसा करोगे तो मैं आपको ऐसा कर दूंगा और उसके लिए आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो या 5 लाख रुपए दे दो। अब मैंने उसको 2-2 लाख रुपए करके 10 लाख रुपए दे दिए पर वहां से वो चीज डिलीवर नहीं हो रही है और उसने जो दस्तावेज मुझे दिखाए थे या जिस अकाउंट में पैसा लिया था वो अकाउंट फर्जी था, तो यहां पर चीजों की डिलीवरी हो गई है मतलब पैसा चला गया है, तो यहां पर मुकदमा एक अलग चीज है। और एक चीज में क्या होता है कि आपको कोई मान लीजिए फर्जी डॉक्यूमेंट किसी को दे दिया बट अभी वो पैसे की डिलीवरी हुई नहीं है, उससे पहले ही पकड़ लिया गया, ये केस थोड़ा अलग है। अब है क्या, जिसके अंदर डिलीवरी हो गई है तो पैसा आपने दे दिया है तो ऐसे मामलों को जज साहब भी जल्दी सुनते नहीं है, उन मामलों में बेल अक्सर लेट होती है या तो कहीं पर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो तो एक बात अलग है। हालांकि 467 IPC में कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते हैं बट हां आप 420 में जरूर कर सकते हैं। साथ में ही जहां डिलीवरी नहीं हुई है वहां पर आपकी बेल हो जाती है, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी बट उसमें भी वक्त लगेगा, हो सकता है आपको हाई कोर्ट भी जाना पड़े। दोनों ही तरह के मामलों में जहां 420 लगी 467 लगी, दोनों ही मामलों में सीरियस नेचर का ये ऑफेंस आता है जिसके अंदर बेल आप सोचो कि मैं लगा दूं 10 दिन में 15 दिन 20 दिन में बेल लगाऊंगा, बेल हो जाएगी, बेल ऐसे नहीं होगी। या तो आपके पास कुछ अच्छे पुख्ता एविडेंस होने चाहिए, अच्छे कुछ पेपर्स आपके पास होने चाहिए और साथ में ही बहुत अच्छी तरह से आर्गुमेंट किए हो आपके वकील साहब ने, तो आपको बेल मिलने के बिल्कुल पूरे पूरे चांसेस हैं। बट इन केसों में इतनी आसानी से बेल आपको मिलेगी नहीं, वक्त लगेगा, चार्जशीट लगेगी, आप आगे जाओगे, हो सकता है हाईकोर्ट भी आपको जाना पड़े तभी आपको बेल मिले। और जहां पैसे की बात आती है कि किसी ने प्रॉपर्टी हथिया ली किसी की, झांसा देकर 10-20-30-50 लाख रुपए अपने अकाउंट में ले लिया और पैसा नहीं वापस कर रहा है, किस तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, तो
कोर्ट में आपको वक्त जरूर लग सकता है। यहां आप वकीलों की गलती निकालते रहे कि मेरी बेल नहीं करा पा रहा है, वो एक अलग चीज है। चीजों में वक्त लगता है, चीजों को अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है। आपके वकील साहब अगर आपके केस को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं फिर भी बेल नहीं हो रही है तो एक बात अलग है, मतलब फिर भी अपने एफर्ट्स तो वो लगा ही रहे हैं। आपको पट ट्रायल को भी साथ साथ ध्यान देना चाहिए, अगर कोई चीज वहां डिलीवर हुई है तो वक्त इन चीजों में लगता है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल है, कोई भी किसी तरह के डाउट्स है, अपने केस को स्टडी करके आप चाहते हैं हम उसको डिस्कस करें अपने वीडियो के माध्यम से, अपने केस की डिटेल्स भेजिए, हम उसको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आपको उसके बारे में अपडेट करने की। दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियो जो लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।